अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिन के साथ हमारे व्लॉग का आगाज हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हों, आमीन या रब। इसी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हमारे रूटीन में आज जो भी होगा वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। हानिया, आप भी सलाम बोलो सबको। मेरे पुदीने वाली चाय भी मेरे साथ आ रही है। क्यों लड़ाई हुई आपकी और हानिया की? क्या हुआ है हानिया? कुछ नहीं। मोना वहाँ पे पीछे चली गई, तो मन्ना यहाँ पे बैठी है। खैर तो है, आज सारे अलग अलग बैठे हुए हो। हानिया, आपने वैसली नहीं लगाई ना? दोपहर में मैं बच्चों के साथ गई थी, बच्चों को छोड़ने के लिए, और मुझे टीचर से कोई जरूरी बात भी करनी थी बच्चों की पढ़ाई के बारे में। वहाँ गई और मैंने उनसे बात की, कोई जरूरी बात करनी थी बच्चों की एजुकेशन के बारे में। वहां से मैं वापस आ गई थी तो, लेकिन मैंने उस दौरान कोई वीडियो शूट नहीं की। और अभी जो है मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे, बच्चों की मैंने शॉपिंग करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने बच्चों की शॉपिंग की थी ना सर्दियों की, तो फिर उसके बाद मैंने अभी तक मैं सर्दियां आ गई हैं और बच्चे जो हैं वही लास्ट ईयर वाले जो कपड़े हैं उन्हीं से ही मैनेज कर रहे हैं। तो छोटे भी हो गए हैं वो काफी उनसे, और मैं डेली मैं कहती हूँ कि आज जाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। वो कभी मेरे हस्बैंड कहीं बिजी हो जाते हैं या फिर वीकेंड पे जैसे बच्चों के साथ प्रोग्राम बन जाता है कहीं जाने के लिए, और मार्केट में जब जाती हूँ तो थक जाती हूँ, इसलिए भी मैं मार्केट जाने से ज्यादा घबराती हूँ। खासतौर पर स्पेशली जब बच्चों के कपड़े लेने हो, सिलेक्ट करने हो, तो फिर इसमें थोड़ा काफी टाइम लग जाता है, और इन दिनों जो मेरी हालत है तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं। तो मार्केट जाती हूँ जब, खास स्पेशली जब अपने बच्चों के कपड़े लेने जाने होते हैं ना, तो उस टाइम में तो आप वैसे भी अगर अच्छे भले भी हो तो थक जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आजकल तो खैर अभी जो है ना सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, और बच्चों की जो जैकेट्स वगैरह थी पिछले साल की वो भी छोटी हो गई, कपड़े भी, वो खैर वो उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं आज मुझे जाना है। अभी बच्चे कुरान पढ़ने गए हुए हैं, अभी हम घर से निकलने वाले हैं और जाके पहले बच्चों को उठाते हैं वहां से उठा के, तो फिर मैंने मार्केट जाना है। कैसे हो? कैसा है मेरा लाल? ठीक हूँ। और बाकी कहाँ है सब? बैठो बैठो गाड़ी में, जल्दी करो, उतार दो जो चीज मैं पहले, उतार दो। किसने कहा है उतारो? किसने कहा? मन्ना ने। और ये मिला कहाँ से आपको? अबला ने। ये अबला को क्या हो गया है? रोज कोई ना कोई गिफ्ट दे देती है हानिया को, टूट गया ना? ये तमन्ना ने नजर लगाई है हानिया की नेकलेस। लगाई, मैंने कहा था कि शर्ट के साथ मैच नहीं हो रहा इसलिए उतार दो। हानिया, तमन्ना ने नजर लगाई और देखो टूट भी गया हानिया का बेचारी का। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे, मैं सोचती हूँ नजर लगा। पता नहीं, तुम देख रही थी ना, तमन्ना कह रही थी कि इसे अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा, वो सारा टूट के सारे नीचे गिर गया, अब छोड़ दो उसको। ये अपने बैग में रखे, बाद में लूंगी। ये सारे इतने सारे मैं सारे खा लूंगी हानिया। खा लीजिएगा, खत्म नहीं होगी। किसके साथ झगड़ा हो रहा है? मोना। चलो इस साइड से चलते हैं सब, यहाँ से अभी हम आ गए हैं और बिल्कुल मार्केट के बाहर हैं। कौन सी मॉल है ये? मॉल कौन सी है? हाँ? मॉल है अलमदीना मॉल। अलमदीना मॉल माय फेवरेट मॉल। मैं अपनी पसंद की जैकेट लूंगी, अपनी पसंद के सर्दियों के कपड़े लूंगी। हाँ, जो आपका पिंक वाला कोट है ना, वो मैंने यहीं से लिया था। देखो ये नहीं, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, वो तो देखो सामने, जो आप पिंक कोट पहनती हो ना। हाँ? वो मैंने यहीं से लिया था। तो वो तो सेम ऐसा हो जाएगा ना, कुछ और डिफरेंट लेंगे। आ जाओ मम्मा, देखिए सेम टू सेम वैसा है। हाँ ये बिल्कुल सेम वैसा है। तो मना पहले जाके मुस्तफा के लेते हैं, ठीक है? मुस्तफा चले? हाँ पहले मुस्तफा की, फिर मेरी, फिर मोना की, फिर आपकी की। अच्छा ठीक है, इसमें बैठ जाएगी। बैठोगी हानिया? मैं नहीं बैठूंगी। अच्छा चलो वहाँ चलते हैं, आ जाओ। चलो हानिया इसके अंदर बैठना है, ट्रॉली के अंदर बैठना है। मुस्तफा चलो इसको फिर से वैसे बिठाते जैसे लास्ट टाइम बिठाया था। नहीं, अभी हानिया को सारे पकड़ के ना बिठा रहे हैं ट्रॉली में। भारी है, अब इनकी मस्तियां ही मार्केट में शुरू होंगी। तो मना नहीं करो, उतार दो इसको। हानिया से थक जाओगी ना, चल चल के अच्छा एक जगह पे बैठी रहो। उतार रही हूँ। अच्छा उतारो इसे, आ जाओ हैंड दो मुझे अपना। मम्मा जो मुस्तफा के लिए येलो ले रही है, मम्मा ये येलो गर्ल्स का है। ये मम्मा मुस्तफा के लिए नहीं, आपके लिए ले। और ये गर्ल्स का, मैं अपनी लिए पैंट लेके आऊँ, मुझे एक पैंट पसंद आई है। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। मना देखो ये कैसा है, प्यारा है, येलो कलर प्यारा है ना, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है ना। ग्रीन वाला ले ले पैंट के साथ, देखो मुस्तफा इधर आओ। बात सुनो, अभी ये पता नहीं कहाँ चला गया, मैं कह रही हूँ कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे। सारे कलर प्यारे हैं ना तमन्ना, है ना? येलो वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है। और देखो ये भी है ना एक, इसके अलावा ना ये है तो छोटा, लेकिन ये डिजाइन एक ही है और कलर ये मुस्तफा। देखो इन तीनों में से कौन सा कलर आपको अच्छा लगा? अच्छा वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ से देखो ना। देखो एक ये कलर है और एक ये कलर है,
आप भी देखें कौन सा कलर इसके ऊपर प्यारा लग रहा है मुस्तफा का। आप देखें ब्लू अच्छे तो ये ब्राउन और एक ये है येलो है में से। जो मुस्तफा को पसंद है वही लग रहा है मुस्तफा इन तीनों में से येलो ले लें फिर। ये वाला कलर भी प्यारा लग रहा है ना। प्यारा है ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ऑरेंज और रेड। रेड भी तो है यहाँ पे। हाँ रेड भी मैं कह रही हूँ एक रेड ले लूँ यहाँ से और एक ऑरेंज ले लूँ। क्या ख्याल है? दोनों ले ले। ज्यादा प्यारे ऑरेंज से। ज्यादा प्यारा है? दोनों ही यहाँ पे प्यारे लगेंगे। ऑरेंज कलर ठीक है। ये ब्लू वाली भी प्यारी है। ये भी प्यारी लग रही है ना। सही है पसंद है आपको? कलर सारे पसंद आए कि नहीं आए? फिर कोई शिकायत नहीं करनी मम्मा? बस करे मुस्तफा का हमने भी अपने लेने हैं। हाँ हाँ ठीक है उधर चलते हैं। अभी हानिया हानिया के देखें आपने क्या लेना है। मेरे बारे कब आएगी? अभी चल रहे हैं आपकी तरफ। हानिया को ना ज्यादा जल्दी लगी बस कब से यही कह जा रहे मेरी तरफ चलो मेरी। क्योंकि लड़कों से ज्यादा लड़कियों के कपड़े प्यारे होते हैं। मेरी बारी कब आएगी? हानिया ये कैसा है? प्यारा है ये उठा ले। प्यारा है ये उठा ले। गौर से देखा है पता नहीं देखा लेकिन अच्छा है वैसे है ना। ये वाला प्यारा है। पिंक भी प्यारा है पर पिंक हानिया गंदा कर देगी। हाँ पिंक ये ज्यादा लाइट लग रहा है ये गंदा कर देगी। मम्मा ये सिलेक्ट हो गया ये एक ये उठा ले। ये कैसा है हानिया जी? देखो कैसा है ये अच्छा नहीं है? नहीं हानिया को कोई भी चीज मम्मा पसंद नहीं आने वाली है। वो बैग का डिजाइन बना हुआ है ना देखो वैसे ही है तो प्यारा प्यारा लग रहा है ना। ऐसा ऐसा हानिया का हमने लास्ट टाइम दिया था ना ब्लू। मैं हमेशा ऐसे ले जाती हूँ हानिया के ऐसे ना जीन्स वाले इसे प्यारे लगते हैं। हानिया ने ना मुझे ये वाला कलर निकाल के दिया और येलो कह रही है कहती ये ना उठाओ ये ले लो इतने प्यारे प्यारे कलर है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये गर्मियों के लिए। तो ये भी तो मोटा ही है। ये मोटा है? हाँ। इसने हाथ लगा के देख लिया और कह रही कि मोटा है ये। हानिया ने ना ये दो सिलेक्ट किए कहते ये वाले ले मेरे लिए बेशक मैं ऊपर से जैकेट पहनूंगी कवर करने में। फिलहाल बस यहाँ से इसके लिए ये दो ले लिया एक ब्लैक में और एक ग्रीन में। इसका कह रही कि नहीं ये वापस रख दो तो बस हम ये वापस रख रहे हैं। हानिया की और मुस्तफ़ा की जो शॉपिंग है ना वो तो कम्प्लीट हो गई है। तो अभी हम जाते हैं तमन्ना की और मोना कहाँ चली गई है चले अब ऊपर। मैंने यहाँ से शूज लेने स्लीपर लेने हैं। मोना कहाँ पे है? तमन्ना कैसे चाहिए आपको बताओ? मुझे ऐसे चाहिए पर ऐसे कहीं पे है नहीं। छोटे है ना साइज में छोटे हैं ये छोटे हैं ये वाले छोटे हैं। अभी तमन्ना को साइज ढूंढने में मसला हो रहा है। आपने बच्चों वाले उठा ले। हानिया कह रही है तमन्ना ने बच्चों वाले उठा लिए। तमन्ना को ना बच्चों वाली चीजें अच्छी लगती है हमेशा। हानिया को ये वाले देखो ये रैबिट वाले ये मैंने पहना। वहाँ पे अपने शूज चेक कर रही है ढूंढ रही है और तमन्ना यहाँ पे और हानिया जो है ना ये तमन्ना को यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है। मुस्तफ़ा और उसके पापा यहाँ पे हैं पता नहीं ये क्या देख रहे हैं। किसकी चप्पलें देख रहे हैं? हानिया की अच्छी है दिल करते से उठा के फेंक दो। हानिया ना नाराज होके खड़ी हुई अपने पापा से कि अजीब अजीब से डिजाइन लेके उसके पापा उसके लिए आ रहे हैं। खुद ही पहन ले ऐसी जूती मुझे नहीं आएगी। आ जाएगी अच्छे से आ जाएगी। मम्मा ये वाले सही है। हाँ प्यारे हैं ये अच्छे लग रहे हैं। हाँ मोना आपके सिलेक्ट हुए ये वाले। मोना की पसंद देखे। हम जा रहे हैं ऊपर सब। अभी मैं मोना हानिया और तमन्ना को ऊपर लेकर जा रही हूँ। पता नहीं अभी इन्होंने ऊपर से क्या लेना है। अभी हम अबाया सेक्शन में यहाँ पे आ गए हैं। मोना ने अपना अबाया लेना वैसे तमन्ना ने भी लेना है लेकिन मैंने इनको कहा हुआ था कि फिलहाल ना अभी आप रुक जाओ हो सकता है हमारा जद्दा जाने का प्लान बन जाता है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अबाए हैं लेकिन पता नहीं प्लान अभी हमारा बन नहीं रहा। फिलहाल अभी मोना को मैंने कहा कि आप ले लो क्योंकि मोना का जो अबाया ना वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया। ऐसे ये लेना है क्या करोगे इसको आप? कुछ नहीं। और मोना की इस अबाये के बारे में कह रही है मोना को। मोना ने भी ब्लू लेना है इस बार। मैं हमेशा ब्लू मुझे अच्छा लगता है कलर और मोना ये लेकर आई है। अभी देखते हैं हम। ब्लैक नहीं इससे पहले ग्रीन था ना आपका सारे कलर ट्राई करी। हाँ लेकिन ब्लू मेरे ख्याल में था ब्लू आपका ब्लू। हाँ मुझे याद आ रहा है कि ब्लू था। नहीं नहीं था। हानिया साथ में बता रही है नहीं था। हानिया बेचारी की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है इसलिए कुछ भी बोल देती। दुपट्टा भी ब्लू है ना इसके साथ का है ना दिखाओ। अच्छा ठीक है ट्राई करो आप इसको पहन के देखो कैसा लगता है। मोना पहन के देखो अगर अच्छा लगता है ना बस फिर ले लेते हैं। ठीक है आपको पसंद है तो सही है फिर है तो सही लेकिन साइज में छोटा है ये। इनसे साइज पूछ लेते हैं। हाँ साइज अभी पूछते हैं बस इसे उतारो अपना साइज बताना। देखो ये स्मॉल है स्मॉल साइज में आ रहा है। मोना माशाल्लाह लंबी है तो इसलिए ये छोटा हो गया। मम्मा आपको मेरा ये कैसा लगा? अच्छा है आपकी सिर्फ अच्छा है? अच्छा है क्यूट है। अब सही है। हाँ सही है। देखो साइज देखो पीछे से दिखाओ।
हाँ ये साइज ठीक है बस। मोना के लिए ये वाला जो अब आया ये सिलेक्ट हो गया। बस काफी देर से ना हम साइज ढूंढ रहे थे, साइज चेक कर रहे थे, साइज नहीं मिल रहा था, तो बिल्कुल इसने मेरी तरह कलर ले लिया जैसे हमेशा मैं लेती हूँ ना। तो इसने ग्रीन भी और भी काफी सारे ये इसने पहने ब्लैक में, तो इसलिए मोना कह रही है कि इसकी पाना मुझे ब्लू में लेना है। खैर अभी ये ले लिया, वैसे से प्यारा भी लग रहा था। बस अभी हम नीचे जा रहे हैं। बाकी तमन्ना को और तमन्ना को अबाया नहीं पसंद है, तमन्ना भी कह रही है कि मैं जद्दा से लूंगी। मामा मैंने ये लिया, हानिया ने बिल्कुल वैसा सेम उठा लिया। मैंने आपको कहा था इसको नहीं ले दीजिएगा। बाकी और इन्होंने कुछ नहीं लिए कपड़ों में, और उन्होंने कुछ नहीं लिया यहाँ पर। चले आ जाओ मुस्तफा, आ जाओ आप, दोनों को भी। हानिया आप मेरे साथ आगे चलो, मुझे ना बताओ कि मैं कौन से शूज लूँ। हानिया यहाँ से कौन से लूँ मैं? आप लो ये वाले, चेक करो। मैंने ना अपने लिए एक ये दुपट्टा लिया है गरम, जैसे अबाय के साथ कभी हम बाहर निकलते हैं ना, अबाय के साथ पहनने के लिए गरम है। और इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा है तो मैंने इसका कलर प्यारा है इसका कलर। हाँ ये लिया मैंने अपने लिए। और बाकी अभी भी ना बच्चों के कपड़े रह गए हैं, जैकेट्स रह गए हैं और मैं थक गई हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फिर कल किसी और मार्केट चक्कर लगा लूँगी, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पे अब नहीं रह सकते। और वैसे भी जैकेट्स काफ़ी सारे देखे हैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद आ रहे बच्चों के, और मुझे भी नहीं पसंद आ रहे। ऊपर तमन्ना को भी मैंने दिखाई है, तमन्ना को भी ना अबाया कुछ नहीं पसंद आ रहा, तो देखेंगे फिर किसी और मार्केट कल या परसों दो दिन तक जो भी शॉपिंग है इनकी कम्प्लीट हो जाएगी। यहाँ पर रिसेप्शन पर अभी बिल बन रहा है और हम बाहर जा रहे हैं, बस गाड़ी में जाके बैठते हैं। हुआ मेरे लाल को, मूड क्यों खराब है? जैकेट नहीं मिली इसलिए। बच्चे यहीं पे बैठ गए, कह रहे हैं जब तक पापा नहीं आते हम यहीं बाहर बैठे हैं। मैं भी बस इनके साथ यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बैठ जाऊँ आनिया मैं आपके साथ? हम सारे यहाँ पे बाहर बैठे तो हैं, लेकिन सर्दी बहुत लग रही है यहाँ पे क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। सऊदी अरब की जो सर्दी होती है ना वो हवाओं में होती है, जैसे हवा चलती है तो सर्दी भी शुरू हो जाती है। अभी ये पूछताछ कर रही है कि मेरी चीज़ें सारी ली हैं कि नहीं ली। मैं और मुस्तफा यहाँ बकाले में आ गए और हम लोग स्पाइसी नूडल्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे हैं। मुस्तफा आपको दिखे हैं कहीं पे? शायद आगे होंगी, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे जो स्पाइसी नूडल्स हैं वो हमें मिल गए हैं और हमने दो लिए हैं क्योंकि मैं और मुस्तफा चैलेंज करेंगे, मोन ने नहीं करना हमारे साथ। यहाँ पे मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक उठाया, आप जूस उठा लो अपने लिए, ठीक है? गाड़ी पापा वहाँ पे पार्क करके आए और पापा और मुस्तफा वहाँ पे बिल बनवा रहे हैं। मुस्तफा इधर आओ, मुस्तफा ये शॉपर मुझे पकड़ा दो। बाय बाय, मुस्तफा जा रहे हैं अपने पापा के साथ और हम जा रहे हैं घर। इधर आ रहे हैं इस रूम में, बस ये कुछ देर के बाद फिर मैं इनके साइज चेक करती हूँ रेस्ट करके, फिर देखते हैं अल्लाह करे साइज ठीक उनके। और आज रात के खाने में मैंने बनाई है दाल की, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर सीक्रेट ये है कि मैंने इसमें जो हरी मिर्चें और हरा धनिया जो मैं लास्ट में डालती हूँ ना, उसकी वजह से कलर बहुत ही प्यारा आता है। हम जैसे मॉल से आए तो मम्मा ने खाना बनाया क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी और मुझे सबने कैमरामैन बनाया हुआ है। सबने कैमरामैन बना दिया। और देखो हानिया यहाँ पे मैं आपके लिए स्मॉल स्मॉल रोटियां लेके बैठी हूँ कि हानिया आई और मेरे साथ खाई। इतनी स्मॉल स्मॉल तो मैंने कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी जी। चलो आ जाओ, आ जाओ बैठो यहाँ पे और हम खाना खाते हैं। और मुस्तफा नहीं है आज हमारे साथ दस्तरखान पे, कर मेरे हस्बैंड भी नहीं है क्योंकि वो दोनों चले गए हैं, पता नहीं अब वो लेट आएंगे, तो इसलिए बस दस्तरखान पे आज हमने मैं और मेरी बच्चियां। आ जाओ हानिया यहाँ पे मेरे साथ, आ जाओ यहाँ पे बैठो, आ जाओ हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर हमारा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।